बैकडोर चैनल्स इनके खुले रहते हैं, लेन देन का हिसाब किताब इसमें होता है। आपको कितने ऐसे शिक्षक आपको नियुक्त होते हुए दिख जाएंगे जो शायद संभवतः अपना नाम तक ना लिखना चाहते। जो लोग काबिल होते हैं, जो लोग जिन लोगों का अधिकार होता है, उन लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलते। उन लोगों को मिलते हैं जिनकी सांठगांठ उस विभाग के मंत्रियों से होती है। हर विभाग में इसी तरीके से बिहार में काम होता है और ये दर्शाता है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तमाम तरीके की नियुक्तियां भ्रष्टाचार की गेंद चढ़ा दी जा चुकी है। बांटे नियुक्ति पत्र, नियुक्ति पत्र तो इससे पहले गांधी का नाम नहीं बांटे गए थे, दो महीने तीन महीने की सैलरी ले ली थी, वो वर्दी पहनकर उनको नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। जब एक प्रकार से बीपीएससी में जो टीचर की जो परीक्षा हुई थी उसके बाद अब जो है लगातार हंगामे हो रही है, बिना एसटीईटी पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, किसी को उम्र भी पूरा है। ये हर विभाग में ऐसे ही, बिहार सरकार ने ये परंपरा बना दी है बैकडोर एंट्री की। बैकडोर चैनल्स इनके खुले रहते हैं, लेन देन का हिसाब किताब इसमें होता है। आपको कितने ऐसे शिक्षक आपको नियुक्त होते हुए दिख जाएंगे जो शायद संभवतः अपना नाम तक ना लिखना चाहते। ये बिहार सरकार की मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल की परंपरा रही और हर विभाग की नियुक्ति बैकडोर के माध्यम से ही होती है। जो लोग काबिल होते हैं, जो लोग जिन लोगों का अधिकार होता है, उन लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलते। उन लोगों को मिलते हैं जिनकी साठ गांठ उस विभाग के मंत्रियों से होती है, अधिकारियों से होती है, या जिनकी पहुंच और पैरवी होती है, उन लोगों को पत्र दिए जाते हैं जिनके अधिकार होते हैं उनको नहीं मिलते। आप मानते हैं कि विभाग में घोटाले हुए शिक्षा में भाई यही तो हम बोल रहे हैं, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? जो मुख्यमंत्री बोलते हैं चिराग जी इधर देखिए, टॉलरेंस है करप्शन से, क्या ये टॉलरेट नहीं कर रहे हैं करप्शन? और इस तरीके से ये तो भी एक विभाग की चर्चा हो रही है जो कि सामने आ रहा है। परफेक्शन IAS सिविल सेवा BPSC UPSC परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित परफेक्शन IAS फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं BPSC परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। हर विभाग में इसी तरीके से बिहार में काम हो रहा है और ये दर्शाता है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तमाम तरीके की नियुक्तियां भ्रष्टाचार की गेंद चढ़ा दी जा चुकी है। भाई बांटे नियुक्ति पत्र, नियुक्ति पत्र तो इससे पहले गांधी का नाम नहीं बांटे गए थे, दो महीने तीन महीने की सैलरी ले ली थी, वो वर्दी पहनकर उनको नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। नियुक्ति पत्र दिखावे के लिए अगर आप बांटेंगे उसके कोई मायने नहीं, जब तक सही मायनों में जो लोग अधिकृत हैं, जिनका अधिकार बनता है, जो प्रॉपर चैनल के माध्यम से परीक्षा देकर जिन्होंने क्वालिफाई किया है, जब तक उनके हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं जाते इन पत्रों के कोई मायने नहीं। अगर आपको बैकडोर चैनल से ही लेन देन करके अगर आपको नियुक्ति पत्र बांटने, तो आप बंद कमरे में बांटिए ना।